इंग्लिश का, हिंदी का एक वर्ड है आज्ञा देना, उसकी इंग्लिश क्या होती है? हम बात करते हैं एक वर्ड की जिसका जो है हिंदी का आज्ञा देना, और इसके इंग्लिश की बात करें तो इसकी इंग्लिश होती है ऑर्डर, अलाउ, और तीसरा है कमांड। कहाँ पे हम प्रयोग करेंगे ऑर्डर का और कहाँ पे हम प्रयोग करेंगे अलाउ का, कहाँ पे हम प्रयोग करेंगे कमांड का? जब कोई अपने अधिकारों का प्रयोग करके अपनी इच्छा से हुक्म देता है, जब कोई अपने अधिकारों का प्रयोग करके अपनी इच्छा से हुक्म देता है या आदेश देता है, तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? ऑर्डर। जैसे द जज ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड हिज हैंगिंग। दूसरा वर्ड है अलाउ। जब किसी को अनुमति दिया जाए और अनुमति देने के बाद से किसी भी प्रकार के ऐतराज की भावना ना हो, तो वहां पे जो प्रयोग होता है वह प्रयोग होता है अलाउ। जैसे प्लीज अलाउ मी टू गो। प्लीज अलाउ मी टू गो। तीसरा वर्ड है कमांड। जब कोई सेना का बड़ा अधिकारी आदेश देता है, तो उसके लिए जो वर्ड यूज होता है वह वर्ड यूज होता है कमांड। जैसे द कमांडर कमांडेड द आर्मी टू रिट्रीट। द कमांडर कमांडेड द आर्मी कमांडेड द आर्मी टू रिट्रीट। कमांडर ने सेना को पीछे हटने का आदेश दिया। तो आज्ञा देना या आदेश देना कि जो मीनिंग यूज होती है वह कौन कौन होती है? ऑर्डर, अलाउ और कमांड। जब कोई अपने अधिकारों का प्रयोग करके अपनी इच्छा से आदेश देता है, हुक्म देता है, तो उसके लिए जो वर्ड यूज होता है वह क्या यूज होता है? ऑर्डर। जैसे अलाउ, अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना, या आप आज्ञा देना भी मान सकते हैं। तो जब किसी चीज़ को अनुमति दी जाती है और अनुमति देने के बाद किसी भी प्रकार की कोई ऐतराज की भावना नहीं होती है, तो उसके लिए वर्ड क्या है? अलाउ। जैसे प्लीज अलाउ मी टू गो, कृपया मुझे जाने दीजिए। तीसरा वर्ड है कमांड। कमांड वर्ड का जब प्रयोग होता है, जब कोई सेना का बड़ा अधिकारी आदेश देता है, जैसे किसी मिलिट्री का हो गया, किसी आर्मी का हो, मिलिट्री का हो गया, पुलिस का, नेवी का, तो इसका जब सेना का बड़ा अधिकारी आदेश देता है, तो उसके लिए जो वर्ड यूज होता है वह होता है कमांड। जैसे द कमांडर कमांडेड द आर्मी टू रिट्रीट, कि कमांडर ने सेना को पीछे हटने का आदेश दिया। ऐसे ही महत्वपूर्ण वर्ड्स मीनिंग के लिए जुड़े रहिए आप शिवेंद्र अकेडमी से।